यूपी के ताकतवर आईएएस अफसरों में एक रहे नेत्राम के घर समेत 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। विभाग ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की। नेत्राम बसपा के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मायावती सरकार में 2007 से 12 तक की सरकार में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर तैनात थे और ताकतवर अफसरों में इनकी गिनती होती थी। यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों को भी नेत्राम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की तरह समय लेना पड़ता था। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने सोमवार सुबह एक साथ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की। स्टेशन रोड स्थित नेत्राम के घर पर जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा अमीनाबाद स्थित गाढ़ा भंडार पर भी टीम की छापेमारी चल रही है। पूर्व अधिकारी पर 100 करोड़ से ज्यादा फंड के हेराफेरी का आरोप है। लखनऊ के विपुल खंड के SBI शाखा में नेत्राम के दो और उनके परिवार की सदस्य पूनम के अकाउंट सीज किए गए हैं। स्टेशन रोड के पास बने घर में छापेमारी भी चल रही है। आयकर विभाग की टीम कोलकाता की एक कंपनी को पहुंचाए गए फायदे की जांच भी कर रही है। नेत्राम बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। टैक्स चोरी के मामले में फंसे नेत्राम पर तफ्तीश के बाद और शिकंजा कसा जा सकता है। इनकम टैक्स की तफ्तीश के बाद कई अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी भी कार्रवाई कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।